2008 में लड़ा था तो 52,000 वोट थे, मोर और लेस सेम वोट अब मिले हैं। और मैं 3 इलेक्शन इस हल्के में लड़ चुका हूँ, 2008 का मैं इलेक्शन जीता था। तो वो ये बात नहीं है कि देखें, हमारे साथ मिर्जा साहब बैठे हैं, निसार चीमा साहब, जो कि MNA इलेक्शन नून लीग का हार गए, और इनको ऑफर की गई कि हम आपको जिता देते हैं और आप जीते हैं, आपका जीतना ज़रूरी है, इन्होंने इनकार कर दिया। तो मैं तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि आप ठीक इलेक्शन में, क्योंकि नॉर्मली क्लिप ही आपने देखा होगा कि इलेक्शन फेयर नहीं है, तो हर बंदे को शख्स की निगाह से इस वजह से देखते हैं। चीमा साहब ही सामने बैठे हैं, इनको ऑफर की गई कि आपको हम जिता देते हैं, ये नून लीग के हैं और MNA थे पिछली दफा, MNA थे, आपको जानते होंगे इनको, इनका किरदार है, इन्होंने कोई गलत चीज करने से मना करा है। ये सियासत में जिंदगी में इनको काम देके जाएगा, गलत फैसले, सियासी खुदकुशियां होती हैं। और मैं भी बतला दूं कि मैं इसका सख्ती से कायल हूं कि आदमी मैनिपुलेशन करके वक्ती तौर पे कामयाबी हासिल करके जिंदगी भर आप अपनी नज़रों में और अपने अहले खाना की नज़रों में नीचे रहें, वो इतना वर्थ नहीं है ये चीज़ करना। लेकिन लेकिन ख्वाजा आसिफ ने मेहरबानी की है मुल्क पे, कि उसने एक ऑडिट की, एक नया पॉइंट दे दिया है कि इलेक्शन ऑडिट होना चाहिए, तो ये एक नया पॉइंट आ गया है। अब ऑडिट होता है नहीं होता वो अलहदा बात है। मैं एक बात बतलाऊं कि देखिए, तमाम सियासी जमातों ने, खासतौर से PTI ने इलेक्शनल ट्रिब्यूनल में केसेस करे हुए हैं, वो केसेस चल रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, उसमें किस हद तक जज साहबान जाएंगे, रिकाउंटिंग पे जाएंगे, ऑडिट पे जाएंगे, वो तो आपकी मतलब सब उस पे करता है ना कि आप आईनी तरमीम कैसे कराते हैं। देखिए, वो जजों की वजह से तो आप आईनी तरमीम कर रहे हैं। नहीं, बिलावल साहब से हमारी इस मौजू पे कई गुफ्तगू रही है। हम और बिलावल साहब पीपल्स पार्टी मिसाके जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो अनफिनिश एजेंडा था, जो इस्लाहात का एजेंडा रह गया था, वो उन्होंने कहा है कि मैं ख्वाहिश है कि मैं नारा का और अपनी वालदी का वो अनफिनिश एजेंडा मैं मुकम्मल करूं, पाए तकमील तक लाऊं, इस्लाहात लाऊं।